गुड इवनिंग, मैं धर्मेंद्र कुमार राय और अन अकेडमी जुडिशियरी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और इस क्रम में आज फिर से हम लोग एक नया सेट लेके हाजिर हैं और जिसकी प्रैक्टिस करेंगे, और इसी तरीके से ये क्रम आगे भी चलता रहेगा। तो जल्दी से आप लोग रेडी हो जाइए ताकि हम लोग सेशन की शुरुआत कर सकें। थोड़ी सी चीज़ें जान लेते हैं अन अकेडमी के बारे में, क्योंकि ये है ये अन अकेडमी का जुडिशियरी का प्लेटफॉर्म, तो स्वाभाविक सी बात है कि इसके बारे में हम लोगों को चर्चा कर लेनी चाहिए। ये आप जानते हैं आपके देश का सबसे बड़ा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, और बड़े गौरव की बात है कि हम और आप इस प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा सक्सेस रेशियो है, सबसे ज़्यादा लोग इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपना करियर बनाते हैं। और इसका कारण ये है कि यहाँ जो आपको गाइड किया जाता है, आपको जो टीचर हैं, जो एजुकेटर हैं, वो वेल क्वालिफाइड हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, जिसके वजह से आपको सही मार्गदर्शन मिलता है और जिसकी वजह से कम एनर्जी में आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलते हैं। प्रसिद्ध नमस्कार। और एक बात बताएं कि भाई इस पर सब्जेक्ट जितने भी हैं, आपके जुडिशियरी के एग्जामिनेशन के लिए, पीयू के एग्जामिनेशन के लिए, एचजीएस के एग्जामिनेशन के लिए जितने भी सब्जेक्ट जरूरी हैं, वो सारे सब्जेक्ट इस प्लेटफॉर्म पर आपको पढ़ाए जाएंगे। कोई भी नहीं सब्जेक्ट नहीं छूटेगा। यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर जो अन अकेडमी का प्लेटफॉर्म है, उसको आप ज्वाइन कैसे करें, उसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से एक अन अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करने पड़ेगा। अन अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। जब आप लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको एजुकेटर ऐप भी होता है, लर्निंग ऐप भी होता है, आपको डाउनलोड लर्निंग ऐप करना है। तो लर्निंग ऐप जब डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको फ्री के लेक्चर बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन बहुत सारे लेक्चर आपको फ्री में मिल जाएंगे। मेरे भी बहुत सारे लेक्चर आपको फ्री में मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप सब्सक्रिप्शन जब तक नहीं लेंगे तो आपको इस बैच का लाभ नहीं मिल पाएगा। ये नए नए आप देख रहे हैं, बहुत सारे बैच चल रहे हैं अभी, ये 13 अक्टूबर से एक नया बैच शुरू हो रहा है। तो आप देख सकते हैं ये 6 अक्टूबर से है, ये 22 सितंबर से है, ये 8 सितंबर से है, ये 15 सितंबर से है, ये 1 सितंबर से है, और ये 7 जुलाई से है। तो इतने सारे बैच जो है ना, इसका लाभ आप नहीं ले पाते हैं जब तक कि आप प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं ले लेते हैं। लेकिन फ्री में भी आपको बहुत सारी क्लासेस स्पेशल क्लास के रूप में आपको उपलब्ध रहेंगे। ज्योति नमस्ते, स्तुति नमस्ते, संगीता नमस्ते। आखिर सब्सक्रिप्शन के चार्जेस क्या हैं, ये भी तो जानना जरूरी है। देखिए, सबसे बड़ी खासियत तो इसकी ये है कि सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको कोई बाध्यता नहीं है कि आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लें या 2 साल का लें। आप कोई भी प्लान ले सकते हैं, 1, 3, 6, 12, 18, 24, किसी भी मंथ का प्लान आप ले सकते हैं। कोई भी प्लान आप लेते हैं तो आपको इंस्टॉलमेंट में भी फी पेमेंट करने की सुविधा है, तो आप इंस्टॉलमेंट में भी फी पेमेंट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप इस कोड का प्रयोग करें, राय लाइव, RAILIVE, इस कोड का अगर आप प्रयोग करेंगे तो 10% का डिस्काउंट तो वैसे भी हो जाना। तो ये भी चीज है इसके साथ। रंजना नमस्ते। तो ये भी एक चीज है इसके साथ। और यहाँ पे T20 मार्क टेस्ट सीरीज भी चल रही है कि सुबह सुबह जो है आप मंडे टू थर्सडे जो है सुबह 9 बजे से 9:30 बजे तक आप IPC, CRPC, CPC और एविडेंस के मार्क टेस्ट भी दे सकते हैं, और उनका डिटेल में एनालिसिस शाम को 7 बजे से 8 बजे तक सैटरडे और संडे को होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं अन अकेडमी के बारे में। और ये यूट्यूब चैनल है, आप जानते ही हैं, और यहाँ पर डे क्लास चल रही है 6:30 से, और ये चल रही है मंडे टू फ्राइडे चलती है, सैटरडे और संडे 2 दिन क्लास नहीं रहेगी इस पर। अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो आपको ये ज्वाइन करना होगा, UA जुडिशियरी धर्मेंद्र, तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं और मुझे मैसेज कर सकते हैं। शलोनी, ऐसे तो कोई अभी सलोनी उसके लिए नहीं चल रहा है, लेकिन आप ये देख रहे हो ना, इसमें तो वही सारी चीजें हैं ना, उत्तराखंड एपीयू के लिए ही ये सारी चीजें चल रही हैं। चलिए,
कर लेते हैं प्रैक्टिस। ये है आपका पहला क्वेश्चन आज का। ये है आपका पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 का जवाब दीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 55 का जवाब जल्दी से दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग चैप्टर ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विथ विटनेस, साक्षियों के संबंध में कौन सा चैप्टर है? साक्षियों के संबंध में कौन सा चैप्टर है बताइए। बिल्कुल ठीक। नमस्ते अंकित, नमस्ते नीतू, सस्मिता, हाँ बिल्कुल ठीक है। ये चैप्टर नंबर 9 में है, चैप्टर नंबर 9 में है। और ये आप जानते हैं सेक्शन की शुरुआत होती है 118 से लेके 134 तक चलेगा, ठीक है ना, चैप्टर नंबर 9। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 56 कर लिए जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट वॉज ओमिटेड बाई अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002? ये कौन से अमेंडमेंट एक्ट से किया गया है? ये थोड़ा कठिन है। हाँ सस्मिता, इसका सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन कर लीजिए, 57। क्वेश्चन नंबर 57, ए वुमेन इज रेप्ड एंड मेक्स स्टेटमेंट दैट ए रेप्ड हर, टू डेज लेटर सी कमिट्स सुसाइड, हर स्टेटमेंट रिगार्डिंग रेप इज क्या है? एडमिसिबल एज ए डाइंग डिक्लेरेशन, नॉट एडमिसिबल एज ए डाइंग डिक्लेरेशन, एडमिसिबल ओनली If there is some evidence directly connecting to her death with the incident of rape, none of the above. आप जवाब दीजिए 57 का जल्दी से। इसका जवाब जल्दी से दीजिए। मेरी आवाज अब जा रही है? चलिए तो ये क्वेश्चन जो आज जिसका आंसर आप लोगों ने दिया है, जिसका आंसर आप लोगों ने दिया है, ज्यादातर लोगों ने एडमिसिबल एज ए डाइंग डिक्लेरेशन नहीं, एज एडमिसिबल एज ए डाइंग डिक्लेरेशन नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में ये ऑप्शन नंबर बी आप सही लगा सकते हैं, या ये सी भी प्रोबेबल आंसर है, हो सकता है। अब ठीक हो जाएगा बेटा, अब नेटवर्क इशू नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये जो है, एक मिनट, तो ये ऑप्शन नंबर बी इसलिए हो जाता है क्योंकि एक नारायण सिंह, ये एकदम उसी के फैक्ट पर ही आधारित है। ये नारायण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की केस है, स्टेट ऑफ बिहार का केस का फैक्ट ही है जो ये पूछा है इसमें, और इसमें कहा गया था कि ये डाइंग डिक्लेरेशन नहीं होगा, समझे ना। तो उसके हिसाब से बी ऑप्शन आता है, और अगर इस ऑप्शन के हिसाब से देखें तो सी भी सही हो सकता है, लेकिन चूंकि ये जजमेंट पर आधारित है इसलिए हम ऑप्शन बी ही लगाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58, कम्युनिकेशन मेड विदाउट प्रीजुडिस इज प्रोटेक्टेड, किसी पूर्व धारणा से जारी किए गए संदेश सुरक्षित हैं। hmm.
ये बात आपको समझ में नहीं आ रही होगी एक्चुअल में, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हिंदी भी टफ है और इसका सही जवाब मैं बता देता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिविल मामलों में स्वीकृतियों से संबंधित है ना, सिविल मामलों में स्वीकृतियों से संबंधित है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 आंसर दीजिए कि नेसेसिटी रूल एज टू द एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस इज कंटेंड इन, नेसेसिटी रूल जो है वो अनिवार्य नियम या आवश्यकता का नियम कौन से सेक्शन पर बेस्ड है, इसका आंसर दीजिए आप। आप लोगों के कमेंट्स, हाँ 58 अब दिखा, थोड़ा सा लेट है बेटा, ऐसा करिए ना एक बार आप बाहर जाइए, तो एक बार बाहर जाइए फिर से आप उसको ज्वाइन करेंगे तो सही रहेगा, जिन लोगों को लेट दिख रहा है ये बिल्कुल नेसेसिटी रूल कहाँ है, तो नेसेसिटी रूल है बिल्कुल ठीक, नेसेसिटी रूल है सेक्शन 32, सेक्शन 32 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, ये नेसेसिटी रूल यहीं पे, नहीं अंकित डी नहीं है बेटा, है ना, नेसेसिटी रूल 32 में है। प्रिया नमस्ते बेटा, हो गया इंटरव्यू, आ गई बनारस की नहीं अभी। क्वेश्चन नंबर 60 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 60 का क्या आंसर, दिल्ली हाई कोर्ट इश्यू गाइडलाइन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ विटनेस इन, कौन से केस में दिया था दिल्ली हाई कोर्ट ने, ये भी थोड़ा टफ हो जा रहा है, मैं इसका आंसर जल्दी से बता दे रहा हूं, नीलम कटारा केस है ये, ठीक है नीलम कटारा केस। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देख लीजिए, 61 एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स ओनली, एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स ओनली ओरल एविडेंस, ओनली डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, बोथ ओरल एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ओनली सच ओरल एविडेंस बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंट, सेक्शन 60 और क्वेश्चन 61 का आंसर बिल्कुल ठीक, क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 62, क्वेश्चन नंबर 62 करिए कि रिलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट सिनोनिम को एक्सटेंसिव, नाइदर सिनोनिम नॉर एक्सटेंसिव नन ऑफ द अबव, 62 नंबर का आंसर बताएं। वेरी गुड, नाइदर सिनोनिम नॉर को एक्सटेंसिव, हाँ बिल्कुल, सलोनी सस्मिता अंकित नीतू कृति स्तुति सारे लोगों का आंसर। 63 नंबर क्वेश्चन कर लीजिए बेटा, 63 नंबर क्वेश्चन कर लीजिए, अंडर द लॉ ऑफ एविडेंस द रिलेवेंट फैक्ट मस्ट बी लॉजिकली रिलेवेंट, मस्ट बी लीगली रिलेवेंट, मस्ट बी लॉजिकली एंड लीगली रिलेवेंट, मस्ट बी लीगली एंड लॉजिकली रिलेवेंट एंड एडमिसिबल, इसका आंसर सलोनी जल्दी से दीजिए, हेमंत सी आप कौन से आंसर का दे रहे हो बेटा, अच्छा 62 का होगा, 63 का जवाब दीजिए, 63 अरे वाह कृति, और विष्णु वेरी गुड, स्तुति अनुराग प्रणाम रंजना, हाँ इसका सही आंसर है सर पार्लियामेंट अटैक केस, बेटा
बेटा ध्यान अचानक से मुझे नहीं आ रहा है वो। बिल्कुल, ये मस्ट बी लीगली रिलेवेंट। लीगली रिलेवेंट होना जरूरी है, लॉजिकली रिलेवेंट हो भी सकता है, लॉजिकली रिलेवेंट नहीं भी हो सकता है, इससे कोई मतलब नहीं है। लीगली रिलेवेंट होना चाहिए, 6 से लेके 55 तक, एविडेंस एक्ट, ठीक है ना, लीगली रिलेवेंट की ही बात करता है। चलिए अगला क्वेश्चन ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 64। कन्फेशन ऑफ एन एक्यूज्ड इज एडमिसिबल अगेंस्ट द अदर को एक्यूज्ड। कन्फेशन ऑफ एन एक्यूज्ड इज एडमिसिबल अगेंस्ट अदर को एक्यूज्ड, कौन से सेक्शन में है ये? एक 64 का आंसर क्या है आपका बालमुकुंद? क्या जवाब दे रहे हैं आप अनुराग? जल्दी जल्दी दीजिए, जल्दी जल्दी। ठीक है, ठीक है अनुराग, स्तुति, बालमुकुंद, प्रिया, कृति। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, सेक्शन 30 में। देखिए यहां पे जो हिंदी वर्जन है ना वो गलत लिखा है, सह अपराधी शब्द यहां लिखा है, जबकि यहां पे को एक्यूज्ड है ना, सह अपराधी को एकम्प्लिस कहते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा हिंदी वर्जन इसका गलत था, एकम्प्लिस कहते हैं, और एकम्प्लिस यहां नहीं है, एकम्प्लिस सेक्शन 133 में है। ध्यान नहीं आ रहा सस्मिता, क्योंकि हम लोग ये चीजें कर रहे हैं ना, तो वो ध्यान ही नहीं आ रहा है दिमाग पर। सेक्शन 60, क्वेश्चन नंबर 65। ए डाइंग डिक्लेरेशन टू बी एडमिसिबल, मृत्युकालिक घोषणा ग्राह्य होने के लिए क्या है? मस्ट बी मेड बिफोर ए मजिस्ट्रेट, मस्ट बी मेड बिफोर ए पुलिस ऑफिसर, मस्ट बी मेड बिफोर ए डॉक्टर और प्राइवेट पर्सन, मे बी मेड आइदर बिफोर मजिस्ट्रेट, पुलिस ऑफिसर और डॉक्टर और ए प्राइवेट पर्सन। 65 नंबर क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल अनुराग, गलत कर रहे हैं आप, ये है सही आंसर। डाइंग डिक्लेरेशन के लिए मजिस्ट्रेट के सामने होना जरूरी नहीं है, पुलिस ऑफिसर के सामने होना जरूरी नहीं, ये डॉक्टर या प्राइवेट पर्सन के ही सामने होना जरूरी नहीं है, वो किसी के सामने भी किया जा सकता है। बिल्कुल कृति, स्तुति, रंजना, नीतू, विष्णु, अनुराग। हाँ अनुराग, अनुराग आप आगे चल रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 का जवाब देते हैं, हेमंत, सलोनी, नीतू, 66 का जवाब लीजिए। एन एक्सपर्ट इज कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, मैटर ऑफ साइंस, आर्ट, फॉरेन लॉ, ऑल ऑफ द अबव। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, साइंस, आर्ट, फिंगर इंप्रेशन, फॉरेन लॉ, सब मामले में। क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 का जवाब ले लीजिए कि हाउ मेनी सेक्शन एंड चैप्टर्स आर देयर इन द इंडियन एविडेंस एक्ट। क्वेश्चन नंबर 67, बताइए। इसमें सब बता दे रहे हैं, 167 सेक्शन है और 11 चैप्टर है। 68, क्वेश्चन नंबर 68, फैक्ट एलीज्ड बाय वन पार्टी एंड डिनाइड बाय द अदर इन केस आर टर्म्स एज, एक पक्षकार द्वारा अभिकथित और प्रतिपक्षी द्वारा अस्वीकृत तथ्यों को क्या कहा जाता है? पॉजिटिव फैक्ट, निगेटिव फैक्ट, रिलेवेंट फैक्ट, फैक्ट इन इश्यू। 68 का नीतू, ठीक है अनुराग, और लोग, रंजना, प्रिया,
हाँ बिल्कुल ठीक है, ये फैक्ट इन इश्यू होता है। एक व्यक्ति असर्ट करता है, दूसरा व्यक्ति डिनाई करता है, तो उसे हम फैक्ट इन इश्यू कहते हैं। 69 बिल्कुल, सलोनी, अनुराग, स्तुति, कृति, निधि, 69 देख लीजिए। द फैक्ट विच फ्रॉम पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन आर रिलेवेंट अंडर, एक ही संव्यवहार के भाग होने वाले तथ्य किस धारा के अंतर्गत सुसंगत है, ये है आपका ऑप्शन 69 का। ले कुछ बच्चे बहुत ही आगे चल रहे हैं। सेक्शन 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, रेस जस्टे का रूल है यहां पर। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70। ए हु इज अनेबल टू स्पीक बाय बर्थ गिव्स हिज टेस्टिमनी बाय राइटिंग इन ओपन कोर्ट, एविडेंस सो गिवन इज ट्रीटेड अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट एज। कोई व्यक्ति ऐसा है जो बोलने में असमर्थ है और खुले न्यायालय में अपना साक्ष्य लिख कर देता है, तो वो क्या होगा? बिल्कुल, सेक्शन नंबर 119 में बताया गया है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बोलने में कॉम्पिटेंट नहीं है, किसी भी अन्य तरीके से वो अपना एविडेंस दे सकता है, अगर वो लिख के देता है तो भी वो ओरल एविडेंस ही माना जाएगा, इशारे से देगा तब भी वो ओरल एविडेंस ही माना जाएगा। क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला की केस, ठीक है ना, तो ये ओरल एविडेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 17 बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 71। द फैक्ट इन इश्यू मीन्स फैक्ट द एग्जिस्टेंस आर नॉन एग्जिस्टेंस of which is admitted by the party, fact the existence or non-existence of which is disputed by the party, fact the existence or non-existence of which is not disputed by the party। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बिल्कुल ठीक, ये हो जाएगा बी, डिस्प्यूटेड बाय द पार्टी। 72 का आंसर दे दीजिए, 72 का आंसर दे दीजिए, 72। डिफेंस ऑफ एलिबाई इज गवर्न बाय प्ली ऑफ एलिबाई, आसान सा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, इसका जवाब तत्काल आप दे दीजिए। हेमंत यादव, कृति, अनुराग, निधि, नीतू, सलोनी, प्रिया, रंजना, स्तुति, निधि, हेमंत, हाँ बिल्कुल, ये सेक्शन 11 में है प्लिया फेलिबाई का। अच्छा एक सवाल का जवाब दीजिए, बहुत देर से आसान क्वेश्चन कर रहे हैं आप पंकज, हाँ एक सवाल का जवाब दीजिएगा, वो ये है कि एक पर्सन जो है ये कहता है कि मैं उस दिन वहां पे था ही नहीं, यानी एलिबाई का तर्क लेता है, वो एलिबाई का तर्क लेता है, और तो उसे किस सेक्शन के अंतर्गत बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पर होगा। क्वेश्चन है मेरा कि कोई पर्सन एलिबाई का अगर डिफेंस लेता है तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पर होगा, ये किस सेक्शन में? शाश्वत शर्मा का आंसर है 105, और एलिबाई का तर्क जो लेगा उसे ही साबित करना होगा, बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पर होगा उस एलिबाई को साबित करने का, ये कौन से सेक्शन में बताया गया? निधि राय भी बता रही हैं 105, रंजना भी 105 बता रही हैं, कृति 103 बता रही हैं, सस्मिता हाँ तो थोड़ा पीछे हैं, अनुराग 105 बता रहे हैं, स्तुति भी 105 बता रहे हैं, मतलब बहुमत 105 के साथ है मुझे लगता है, लेकिन मैं कृति के साथ हूँ। सेक्शन 103 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट,
ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 103 में ये एग्जाम्पल है कि जो आई 11 में एग्जाम्पल पढ़ते हैं ना एलिबाई वाला, कि वही है, कोई पार्टिकुलर फैक्ट को अगर प्रूफ करना चाहता है तो उसे ही ये बात साबित करनी होगी कि ऐसे तथ्य इसका एग्जिस्टेंस था, ठीक है ना, 103। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत देर से आसान आसान कर रहे थे तो इसलिए मैंने पूछ दिया कि थोड़ा मूड खराब भी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 73। हाँ बेटा कृति बहुत बढ़िया। ये बताइए, एनी डिस्प्यूटेड हैंडराइटिंग कैन बी प्रूव्ड बाय कॉलिंग ए हैंडराइटिंग एक्सपर्ट, बाय कॉलिंग ए पर्सन हु इज एक्वांटेड विथ द हैंडराइटिंग ऑफ द राइटर, बाय कंपेयरिंग द एडमिटेड एंड डिस्प्यूटेड हैंडराइटिंग, ऑल ऑफ द अबव। पूजा शर्मा भी आ गई, हेमंत यादव, ठीक है। 73 का क्या आंसर आपके हिसाब से? ठीक है ठीक है ठीक है, निर्विवाद रूप से सारे लोगों का यही आंसर है कि ठीक है। अब मेरा इसी पे एक सवाल है, बाई कंपेयरिंग द एडमिटेड एंड डिस्प्यूटेड हैंडराइटिंग, ये किस सेक्शन में है? सेक्शन बताइए इसका, कंपेयर करना हैंडराइटिंग। बिल्कुल डी ऑप्शन सही है, आप लोग सही बता रहे हैं। ये सेक्शन 73 का पहले बताइए जो मैं पूछ रहा हूं सवाल। जो मैं पूछ रहा हूं कि बाई कंपेयरिंग द एडमिटेड एंड डिस्प्यूटेड हैंडराइटिंग, वो किस सेक्शन में? नहीं बता पा रहे? नहीं बेटा ये नहीं है ना, नहीं बता पा रहे। ये सेक्शन जो है सेक्शन 73 में है, 73 में हैंडराइटिंग के कंपेयर करने से है, ठीक है। हाँ 73 में, 73 में है कंपेयर करना। चलिए 74 का आंसर दीजिए जल्दी से, क्योंकि समय भी अब हम लोगों का खत्म हो रहा है। नहीं बेटा कंपेयर करना ना 47 में नहीं है, कंपेयर 73 में है। हैंडराइटिंग के जो है एक्वांटेड पर्सन वाला जो है वो 47 में। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 74 क्वेश्चन इज दिस, वेदर ए वॉज रेप्ड एंड मर्डर्ड द फैक्ट दैट सी सेड विदाउट मेकिंग कंप्लेंट दैट सी वॉज रेप्ड विल बी रिलेवेंट एज कॉन्डक्ट, विल बी रिलेवेंट एज सब्सटेंशियल एविडेंस, विल बी रिलेवेंट एज सेकेंडरी एविडेंस, कैन बी रिलेवेंट अंडर सेक्शन 32(1) और सेक्शन 150 ऑफ द एविडेंस एक्ट। पीयूष नॉट रिलेवेंट, सस्मिता, तिहत्तर, डी विष्णु, डी कृति, ओके सर। हाँ बिल्कुल, देखिए एक तो ये भी है कि आपको पता भी होगा और दूसरा ये बड़ा वाला ऑप्शन है तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है इसी का होगा। सेक्शन 32 के अंतर्गत 157 के अंतर्गत रिलेवेंट होगा, लेकिन कंडक्ट के रूप में रिलेवेंट नहीं होता है ना, कोई स्टेटमेंट कंडक्ट के रूप में रिलेवेंट नहीं होता। ये उसमें एग्जाम्पल में है कि लूट करने के बाद जो है लूट होने के बाद उसने बिना कंप्लेन किए, यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा प्री के लिए, कहाँ लिखा विदाउट मेकिंग कंप्लेंट, तो जो विदाउट मेकिंग कंप्लेंट होगा ना तो वो कंडक्ट के रूप में रिलेवेंट नहीं होता है, धारा 8 के अंतर्गत रिलेवेंट नहीं होगा, वो 32 और 157 के अंतर्गत रिलेवेंट। 75 नंबर क्वेश्चन, द इंडियन एविडेंस एक्ट वॉज ड्राफ्टेड बाई, ये तो बड़ा आसान है। 75 का आंसर तो आसान है, हाँ कृति बिल्कुल ठीक है, वो इलस्ट्रेशन पर ही बेस्ड था। हाँ बिल्कुल, ये सर जेम्स स्टीफन रहे हैं इसके, है ना। इंतेश बियॉन्ड ए लॉर्ड मैकॉले, नहीं बेटा लॉर्ड मैकॉले आईपीसी को ड्राफ्ट किए थे ना। पूजा शर्मा, सीति डी, कंचन गौतम, ये जो है
जेम्स स्टीफन ने एविडेंस को ड्राफ्ट किया था, ठीक है। मैं काले जो आप बता रहे हैं वो आईपीसी को ड्राफ्ट किए थे। आगे बढ़ते हैं सेक्शन क्वेश्चन नंबर 76, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ 4 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एन अक्यूज्ड पर्सन हैज बीन गारंटीड द राइट टू बी इनफॉर्म ऑफ द नेचर ऑफ द कॉज ऑफ एक्यूजेशन। इसका तो आंसर आप सब बड़ा इजीली बता सकते हैं, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट 22(1) में बताया गया है, ठीक है। हाँ बिल्कुल पूजा, हाँ पूजा कहाँ बता रही बेटा, 77, अच्छा 77 पर आप हैं, कंचन गौतम 22(1), ठीक है। 77 नंबर क्वेश्चन कर लीजिए, हाउ मेनी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी वॉज नॉमिनेटेड टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बाय द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। इसको काट देते हैं, क्यों काट देते हैं, क्योंकि एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन अब खत्म हो चुका है, एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन अब खत्म कर किया जा चुका है। आपको यह बताना है किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से एंग्लो इंडियन के रिजर्वेशन को खत्म कर दिया गया है, यह बताइए कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन खत्म कर दिया गया है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन ले लीजिए, 78 क्वेश्चन नंबर 78, आर्टिकल 15 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सिटीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड कास्ट ओनली। ये तो आसान हो गया ना, मरियम अंसारी 78D। हाँ बिल्कुल बेटा, ये हो गया, अगला क्वेश्चन कर लीजिए 79, जल्दी से कर लीजिए, समय हम ओवर चल रहे हैं। अविनाश मिश्रा 78D, हाँ 79 बताइए बच्चों, 79 बताइए, द प्रेसिडेंट may under article 56(1)(b) be removed from his office by a process of impeachment on the ground of, राष्ट्रपति को किस आधार पर उसको हटाया जा सकता है, misbehavior, incapacity, violation of constitution, all of the above। अविनाश नहीं बेटा गलत हो गया, शालिनी का भी गलत है, और सस्मिता का भी गलत है, नीतू का सही है, स्तुति का सही है, के प्रफुल्ल कुमार गौतम सही हैं, कंचन गौतम हाँ बिल्कुल, इंतेश नहीं बेटा, सलोनी नहीं, पंकज नहीं, हेमंत यस, अविनाश यस। तो ये है आपका आंसर, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट को एक ही आधार पर हटाया जा सकता है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर, ठीक है, हाँ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर हटाया जा सकता है, और कोई आधार नहीं। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 80, पार्ट 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डीलिंग विद द फंडामेंटल ड्यूटी वॉज एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाई। कंचन आप थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिए बेटा, खैराज का तो लास्ट क्वेश्चन हो गया, क्वालिटी आप बढ़ा लेंगे ना तो सही दिखने लगेगा फिर, ठीक है।
ये बताएंगे कि छोड़ दीजिए वो तो आसान है। हाँ, तो ये 42वें संविधान संशोधन से ये चीज जोड़ी गई थी और उसमें एक और अमेंडमेंट हो चुका है, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से 11वां फंडामेंटल ड्यूटी भी जोड़ दिया गया है कि माता पिता और गार्जियन का कर्तव्य होगा कि वो अपने 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए शिक्षा उपलब्ध कराएं। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, और कल मिलते हैं फिर, तो आगे की चीज़ों की चर्चा करेंगे और फिर डिस्कस करेंगे और बाकी के क्वेश्चन।